अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके हैं, कोई जल्दी बनने वाली बहुत अच्छी रेसिपी है। लोग शौक से खाते हैं, कई लोग नहीं भी खाते। सी फूड जिनको पसंद है वो तो खाते हैं, कराची में बाकी लोगों में बहुत ही खाते हैं, बाकी मुल्कों में ये बहुत फेमस है। आज मैं आपके लिए प्रॉन बनाऊँगी, दो तरह का आपको बैटर बताऊँगी। एक टेम्पूरा का बैटर बनाएंगे और एक फ्राई का बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉन। ये देखें, ये हैं प्रॉन, ये मीडियम प्रॉन है और छोटे जो इससे आते हैं वो इतने इतने होते हैं, श्रीम होते हैं वो। इससे बड़े जो हैं वो जंबो प्रॉन है, उससे बड़े जो हैं वो टाइगर हैं, ये मीडियम है। ये मैं आपको टेम्पूरा भी इसका बना के दिखाऊंगी और फ्राई भी बना के दिखाऊंगी। दो तरह के ये प्रॉन बनाएंगे। कई लोगों को इनको पता ही नहीं ये क्या है, ये सी फूड है। लोग इनको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, इनको साफ़ कैसे करना है। ये देखिए, ये इसकी इस तरह की शेप है। ये यहाँ से हमने कट लगाना है इसको, इस तरह। ये वाली वेन है, ये आपने ना निकालनी है, बीच में डिस्कार्ड करनी। सारे मैंने साफ कर लिए, साफ हो जाएंगे इस तरह। ये कट लगा के अच्छी तरह से डीप कट लगाएं और इस तरह इनको साफ कर लें। चलें अब इनको मैरिनेट करते हैं। इसकी मैरिनेशन, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये लेमन का जूस है, एक ब्लैक पेपर, नमक, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। ये टेम्पूरा की मैरिनेशन है, 2-3 घंटे के लिए इसको रखेंगे, फिर थोड़े से लैदा निकाल के, क्योंकि उसमें रेड चिली भी जाएगी, वो लैदा से करेंगे। अभी ये टेम्पूरा का मैंने इसको मैरिनेट किया है, ये 2-3 घंटे रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह फ्राई करना है। 2 घंटे पहले मैंने इसको मैरिनेट किया था, अब 2 घंटे के बाद इसका बैटर बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये एक ही तरह का मैंने इसको मसाला लगाया था जो आपको दिखाया, अब इसको हाफ हाफ करके टेम्पूरा का बैटर बना रहे हैं। ये अंडे की सफेदी, 2 अंडों की सफेदी है, ये कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ये सोया सॉस 1/2 टीस्पून है, थोड़ा सा बस डाल। ये 1 चुटकी नमक है, अंडे की सफेदी जो मैंने डाली उसमें भी नमक है, सोया सॉस में भी नमक है। 1/2 कप दूध डाला इसमें, ना ये ज़्यादा थिक होना चाहिए ना लिक्विड ही होना चाहिए, बैटर जो स्टिक कर जाए प्रॉन के ऊपर, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ऑयल, अब इसको एक एक करके डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। मैंने बनाया जो वो टेम्पूरा था, ये फ्राई प्रॉन है, ये हल्दी थोड़ी सी, ये रेड चिली पेपर, हाँ सोया सॉस और चिली सॉस, ये दोनों डाले हैं इसमें। इसमें अंडे की जर्दी है, क्रम और मैदा मैंने मिक्स कर लिया, दोनों चीज़ें, अंडे की जर्दी उसी में चली गई है। एक एक करके इसकी कोटिंग करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे इसी तरह। ये 5-10 मिनट फ्राई होते हैं, इसको ज़्यादा फ्राई ना करें, जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतने हार्ड हो गए, 5-7 मिनट से ज़्यादा ना इसको फ्राई करें। ये देखें, प्रॉन फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर जो ये है गोल्डन वाला, यही कलर आना चाहिए, ना ज़्यादा इससे लाइट करें ना ज़्यादा इससे डार्क करें। ये देखिए हमारे प्रॉन बिल्कुल रेडी हैं, ये मैंने जो फ्राई किए थे, ये टेम्पूरा है, इसमें और इसमें दोनों में कितना फर्क है। अगर आप स्पाइसी आपको पसंद है तो फ्राई कर लो, अगर टेम्पूरा पसंद है तो इस तरह बना लो। अब मिनाहे टेस्ट करके आपको बताएगी टेम्पूरा में और फ्राई में क्या डिफरेंट है।
ओके अब ये वाला टेस्ट करो। इन दोनों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये स्पाइसी है कि नॉर्मल है? नहीं, आपको कौन से पसंद आए, कौन से अच्छे लगे दोनों में से? कौन मुझे दोनों अच्छे लगे लेकिन सबसे ज्यादा स्पाइसी अच्छा लगा। ओए यम्मी यम्मी। फ्रोजन आइलैंड सॉस आपको बाहर लाने की जरूरत नहीं है कि बाहर से आप लाएं, ये घर में मैंने बनाई। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपसे जरूर शेयर करूंगी मैं। तो गाइस अब मैं इसे सॉस के साथ लगा के यूज करती हूं। वाओ इट इज सो गुड यम्मी। आप भी घर में जरूर ट्राई करें, स्टेप बाय स्टेप आप करें, आपका भी बिल्कुल सेम बनेगा। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।